थ्रिलर फिल्म राजी लास्ट ईयर की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक रही थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। फिल्म को क्रिटिक्स से लेकर फैंस हर किसी का साथ मिला। अवार्ड्स में भी इस फिल्म की रही धूम, लेकिन इस फिल्म को नहीं मिला नेशनल अवार्ड। और इस बात के लिए हरिंदर सिक्का, जिन्होंने कॉलिंग सहमत लिखी है, मेघना गुलजार को दोषी मानते हैं। फिल्म राजी बुक कॉलिंग सहमत पर ही बेस्ड थी और इस बुक के ऑथर हरिंदर सिक्का को लगता है कि फिल्म में बुक के एक इम्पोर्टेंट सीन को काट कर मेघना गुलजार ने बड़ी गलती की, जिसकी वजह से इस फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिला। हरिंदर सिक्का का कहना है, इन द बुक द स्टोरी एंड्स विद सहमत सल्यूटिंग द ट्राइकलर। इफ द फिल्म हैड द सेम एंडिंग, द फिल्म वुड हैव वन द नेशनल अवार्ड। I told the director that you have stopped the film from getting national award by cutting the tricolor scene in the film. Though this was done by the wishes of the filmmakers, but I still have a resentment over it. साफ है, author हरिंदर सिक्का को लगता है कि अगर आलिया भट्ट के साथ tricolor वाले उस सीन को शूट किया जाता, तो शायद ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीत जाती। आगे हरिंदर सिक्का ने बताया है कि वो सहमत से ही इंस्पायर्ड एक और बुक पर काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्द रिलीज होगी। I was a person who had never written a book, and my first book, Calling Sehmat, sold around 5 lakh copies. Sehmat taught me how to live. We very easily paint all Kashmiri Muslims with the same brush, saying that Kashmiris are terrorists. We have to understand that no mother wants her son to carry a stone in his hand. Terrorism has been funded there for so many years, but there have also been Kashmiris like Sehmat who gave up their entire families for the country. Much has changed since the abrogation of Article 370. My next book is Section 370, and Sehmat is the inspiration again. Well, हरिंदर सिक्का के इस रिएक्शन पर मेघना गुलजार का पॉइंट ऑफ व्यू जानना होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ू, मुंबई। Watch E Town News Monday to Friday at 9:30 PM only on Zoom.